हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज और इस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, देखते हैं बोर्ड पे। हम लोग अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर AS-14 इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हम लोग एक्स लिमिटेड है, हमने वाई लिमिटेड को टुक ओवर करा, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड या इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी या इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी। हम लोग एक्स लिमिटेड है, हम लोग वाई का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए, परचेजर कंपनी हो गए, या हमको बोला जाएगा ट्रांसफेरी कंपनी। तो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी या इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, बोर्ड पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे और वाई के बीच में, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के बीच में एक अमाउंट सेटल हुआ होगा जो हमें वाई लिमिटेड को पे करना है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो पहली एंट्री बनाते हैं बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, या कभी कभार लिखते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, वो भी आगे देखेंगे। बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, सिंपल बिजनेस मर्जर को समझेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट है और हमने वाई लिमिटेड के लिक्विडेटर को क्रेडिटर बना दिया, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, सेंस ये है। एंट्री आप क्या करोगे, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। इस बहाने हमने वाई लिमिटेड के क्रेडिटर को, वाई लिमिटेड के लिक्विडेटर को अपना क्रेडिटर बनाया। ये अमाउंट कितना है, 10 लाख 10 करोड़ व्हाटएवर जो भी आप मान ले। तो हमारे उनके बीच में सेटलमेंट हुआ था कि वी हैव टू पे देम 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपए हमने उनको क्या करे, क्रेडिटर बना दिया। पहली एंट्री क्या बनाएंगे, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। दूसरी एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक्स लिमिटेड हैं, वाई लिमिटेड को एक्वायर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट जो हमारे सामने आएगी उसमें से सारे एसेट्स को हम डेबिट कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। वाई लिमिटेड के यहां जितनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर लेंगे, और वाई लिमिटेड के जितने रिजर्व और प्रॉफिट है उन सबको भी हम टुक ओवर करते हुए क्रेडिट कर लेंगे। तीन बातें बताई आपको, जितने भी एसेट्स हम ले रहे हैं डेबिट कर लेंगे, जो भी लायबिलिटीज हम ले रहे हैं उनको क्रेडिट कर लेंगे, और जो भी रिजर्व और प्रॉफिट वाई लिमिटेड के आए वो आगे हम भी शो करेंगे, उनको भी हम क्रेडिट कर लेंगे। देखते हैं सेकेंड एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर बैंक जो भी एसेट्स हम टेक ओवर कर रहे हैं सब डेबिट हो जाएंगे। से हमने वाई लिमिटेड के एसेट्स लिए 16 लाख रुपीज के, थोड़ी जगह छोड़ देंगे। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी लाइबिलिटीज टुक ओवर करें उनको क्रेडिट कर लिया। वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट रखा हुआ था मिला के 1 लाख, तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज और रिजर्व उनको हम क्रेडिट साइड में टुक ओवर करते हैं। ट्रायल बैलेंस का बेसिक रूल, एसेट्स आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस एंड लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट दे आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। तो वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट से एसेट्स को डेबिट कर लेंगे, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू रिजर्व एंड टू पीएल। उसके बाद बिजनेस मर्जर, अभी आपको बताया था टेम्प्रेरी अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है, तो जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट कर देंगे, तो टू बिजनेस मर्जर अकाउंट या टू बिजनेस परचेज अकाउंट, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट कर देंगे। अब आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करेंगे, तो डेबिट में कितना हो रहा है 16 लाख और क्रेडिट में कितना हो रहा है 15 लाख, तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो आप किस नाम से लिखेंगे, जनरल रिजर्व के नाम से। ये रूल है AS-14 में, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज टू ओवर करते वक्त बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी तो आमतौर पर उसे जनरल रिजर्व से एडजस्ट करना है। गॉट इट, एसेट्स और लाइबिलिटीज टू ओवर करते वक्त बैलेंसिंग फिगर, या तो दोनों चीजें सेम हो जाए, इधर भी 16 है इधर भी 16 है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इन जनरल बैलेंसिंग फिगर इज एडजस्टेड फ्रॉम जनरल रिजर्व बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस धीरे धीरे आगे बात होगी। तो अभी हमने क्या काम करा सेकेंड एंट्री में, सेकेंड एंट्री हम क्यों करते हैं, एसेट्स को डेबिट कर लेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर लेंगे, डेबिट में थोड़ी जगह छोड़ी है, एसेट्स डेबिट हो गए, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो गए, वाई लिमिटेड से जो भी रिजर्व और प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट हो गए। पहली एंट्री में बिजनेस मर्जर जितने से डेबिट हुआ था वो टेम्परेरी अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर जिधर भी आएगा, बैलेंसिंग फिगर जिधर भी आएगा उसको जनरल रिजर्व नाम से लिख देंगे, अगर यहां आता तो भी आप जनरल रिजर्व लिखते, फिलहाल बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। उसके बाद यहां पर हमें वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो वाई लिमिटेड का अकाउंट सेटल कर देंगे, तो लिक्विडेटर और वाई लिमिटेड को पहले क्रेडिटर बनाया था, इनका अकाउंट सेटल करेंगे, तो लिक्विडेटर और वाई लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, और अगर हम इनको पैसे देते हैं तो क्या देते हैं, यहां लिखते हैं टू बैंक, लेकिन यूजुअली अमलगमेशन पे हम क्या करते हैं, शेयर्स देते हैं, तो जब भी शेयर इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, और कुछ पेमेंट कैश में भी कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। इट मीन्स हमने वाई लिमिटेड का पेमेंट करना था 10 लाख रुपीज, उसमें 9,50,000 के हमने शेयर इशू करें, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर्स नहीं, जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो हमेशा लायबिलिटी बनेगी शेयर कैपिटल नाम से, और 50,000 हमने कैश में दिया है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो दिस वे वी हैव सेटल्ड द क्रेडिटर ऑफ वेंडर कंपनी, वाई लिमिटेड की क्रेडिटरशिप को भी हमने सेटल कर दिया, उनका लिक्विडेटर हमारा क्रेडिटर था उसको डेबिट कर दिया, टू शेयर कैपिटल, टू बैंक। तो दिस इज द सेट ऑफ अकाउंटिंग फॉर एक्स लिमिटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर कंपनी। ट्रांसफेरी कंपनी क्या 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 एंट्री होंगी, मेन एंट्रीज अगर देखा जाए तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करते हैं, उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट
बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, अभी आगे यहाँ कुछ चीजें और भी आएंगी। बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट एक तरीके से सस्पेंस अकाउंट है, जितने से डेबिट हुआ है सेकेंड एंट्री में उतने से क्रेडिट होना है। बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, असली बात यह है वाई लिमिटेड को हमने क्रेडिटर बना दिया, वाई लिमिटेड को क्रेडिटर बना दिया पीसी के अमाउंट से, किस अमाउंट से, बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अगली एंट्री में क्या करते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज और रिजर्व को टेक ओवर करते हैं, तो जितने भी एसेट्स टुक ओवर करेंगे डेबिट कर लेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, जो भी लाइबिलिटीज हम ले रहे हैं उनको क्रेडिट कर लेंगे, जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट ले रहे हैं उनको हम क्रेडिट कर लेंगे। बिजनेस मर्जर एक टेम्परेरी अकाउंट है, जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर डेबिट या क्रेडिट किधर भी आएगी उसको जनरल रिजर्व नाम से लिखा जाएगा, गॉट इट। उसके बाद लिक्विडेटर हमारा क्रेडिटर था तो उसका अकाउंट सेटल करेंगे, तो लिक्विडेटर जितने से क्रेडिटर उतने से डेबिट कर दिया। अगर पूरे शेयर्स देते तो क्या लिखते, टू शेयर कैपिटल, लेकिन हम 9,50,000 के शेयर्स दे रहे हैं, 50,000 रुपीस कैश में दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल टू बैंक। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्स लिमिटेड और द परचेजर कंपनी और द ट्रांसफरी कंपनी फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में थोड़ा और एडवांस लेवल पे आगे डिस्कस करेंगे।